अब सिखाता हूँ आपको लाइट प्लेसमेंट। और अब चलते हैं इस बेडरूम के वॉशरूम में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअल में अगर घर की फील लेनी है तो उसमें शीयर डालना बहुत जरूरी है। तो ये आ गए हैं मास्टर बेडरूम में, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक नाइट लाइट का प्यारा सा आपको फील दिखाता हूँ यार, देखने में बड़ा मजा आएगा। तो मैं एक बार लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो भाई ये है हमारा नाइट लाइट व्यू। अब यू नो व्हाट, कैमरे के साथ ये फील को बताना बड़ा मुश्किल है। और एक्चुअल में अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, बाहर वैसे दिन का टाइम है, 12:00 होंगे, तो ये पर्टिकुलर नाइट लाइट का व्यू आ रहा है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है। इसका शीशा हमने नीचे तक लिया, लेकिन अगेन इस ड्रेसिंग टेबल में एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप फोकस करोगे तो इसका शीशा हमने नीचे तक लिया है, और जिससे कि यहाँ भी कोव हमारा ऑलरेडी बन गया और ये लाइट हमारी ऐसे दिख रही है। तो गाइस ये थी हमारी नाइट लाइट, और अब मैं आपको पूरा रूम एक्सप्लेन करता हूँ। तो करते हैं पूरा रूम को एक्सप्लेन। तो अब इस रूम में जो बेसिकली सारी चीजें होने वाली थी वो थी बेज थीम इंटीरियर पे। दैट्स राइट, मतलब कि अगेन बेज और ग्रे कौन सी फैमिली के कलर्स होते हैं? लग्जरी के। अगर लग्जरी थीम बनानी है तो बेज और ग्रे को हमें हमेशा फॉलो करना है। तो इस पर्टिकुलरली रूम के अंदर हमने जो बेड पे पैनल्स दिए हैं, जो हमने कल्टिंग करी, मतलब अपोल्स्ट्री का जो काम किया है, वहां पे ये सारा जो हुआ बेज फैब्रिक में है, और ये सारा स्वेड फिनिश है। वेलवेट वॉल पे इंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन ये वाले प्लाई पे इंस्टॉल हुए हैं। लेकिन नॉर्मल जो लूअर्स आते हैं वो 5 इंची चौड़े होते हैं, और ये वाला पर्टिकुलरली 1 फुट चौड़ा है। तो एक हमने थीम बनाई डार्क बेज की, और उसके साथ हमने ये वाला लाइट और ये वाला लाइट मैच करा दिया, जिससे कि जो कलर थीम है वो ब्रेक ना हो। अब जो दूसरा रूम है, जो क्लाइंट के हिसाब से था, जिन्हें चाहिए था पूरा बेज थीम में इंटीरियर, तो उसके लिए हमने क्या किया, लाइटेस्ट फैमिली ऑफ बेज और कहीं कहीं डार्क बेज किया। अगेन जहां जहां हमारा कपड़े का काम था फर्नीचर्स पे, वहां हमने लिया बेज, वो भी लाइटेस्ट फैमिली। मतलब कि अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमने बेड की बैक को चुना, उसके बाद हमने चुना बेड के फुटर को, उसके बाद हमने चुना इस सिटिंग वाले एरिया को। इसका जो फैब्रिक है ये हमने सेम रखा, अगेन मूड बोर्ड के तहत। तो बेसिकली इस पूरे रूम में अगर आप देखोगे तो दो ही कलर चले, एक लाइट फैमिली ऑफ बेज, दूसरा डार्क, मतलब डार्क बेज हमने चलाया। कैसे, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्लोर हमारा सारा का सारा, बेड का पैनल, बेड का फुटर और हमारा पेंट, दिस ऑल बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बेज, वो भी लाइट वाला। दूसरा कॉन्ट्रास्ट देने के लिए बेज को ही हमने चुना, लेकिन थोड़ा सा डार्क कलर में, जो हमने यूज किया कहाँ कहाँ पे, हमारी दोनों वार्डरोब्स पे, हमारे ड्रेसिंग टेबल पे, हमारे कर्टेन्स में, दैट्स राइट, जो कि इधर। और लग्जरी में दो कलर कौन से थे, कि एक था बेज और एक था ग्रे। तो बेज तो हमने दे दिया, लेकिन क्लाइंट को ग्रे तो चाहिए था, तो हमने पर्टिकुलरली डोर्स को, ये है डोर SDHMR में बना हुआ है, बीच में प्लाई है, ऊपर से SDHMR की 12mm की शीट लगी हुई है, जिसपे हमने ड्यू को फिनिश किया हुआ है। तो ये बेसिकली डोर ग्रे हो गया। तो हमने लग्जरी को पूरा कंटिन्यूस करते हुए यहाँ पे बेज और ग्रे कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, एक चीज आपको बता दूं कि ये जो रूम का साइज है 16x12 16 feet by 12 feet का। अब सिखाता हूँ आपको लाइट प्लेसमेंट। तो जैसे कि मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं जब सोऊंगा तो मेरी आंखों में सीधा लाइट नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर आप फोकस करोगे, यहाँ पे टॉप सेंटर पे कोई लाइट नहीं है, जो भी लाइटिंग शुरू हो रही है वो इससे उधर हो रही है और इस बेड से इधर शुरू होती है। हमेशा ध्यान रखना, लाइट ऐसे प्लेस करो, इस पर्टिकुलर साइड टेबल के ऊपर होनी चाहिए, इस साइड टेबल के ऊपर होनी चाहिए, दूसरा उस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में, जो बेड का कॉर्नर है, मतलब कि ये वाला कॉर्नर, इस पर्टिकुलरली चारों कॉर्नर में लाइट्स होनी है, जिससे कि मेरा बेड जो है वो वेल लिट अप रहे। तो अब मैं आपको लाइट्स दिखाता हूँ। ये बेड का सिराना था, तो देखोगे आप, मैंने कोई भी, ये है बिल्कुल मेरे सर के ऊपर वाली जगह, मैंने बिल्कुल सर पर कोई लाइट नहीं रखी है, पहले दो लाइट्स आई, उसके बाद दो, और फिर आखिरी में दो। सेम गोज कि इधर पैसेज आप देख रहे हो, कि पर्टिकुलरली इस पैसेज पे एक लाइट आई, फिर एक वहां पे आई, फिर एक वहां पे आई, फिर एक पैसेज को मैंने पूरा कवर किया। ये एक पैसेज एरिया है जहां पे मैंने सिटिंग को रखा हुआ है, अभी इसके नीचे रग आने वाला है, ये देख रहे हो, वहां पे मैंने पैसेज में दो लाइट्स ले ली, फिर इधर दो लाइट्स डाल दी, फिर इधर दो लाइट्स डाल दी। अब ये प्रॉपर लाइट है, जिससे कि मेरा फ्लोर आप देखोगे तो पूरा वेल लिट अप दिखाई देगा। तो ये हमारा पूरा हो गया, और साथ के साथ ये बेड भी आपको पूरा लिट अप दिखाई देगा। और अब थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर एरिया में अगेन क्लाइंट ने क्या किया था, कि लग्जरी प्लस इनको थोड़ा सा वो बोल्ड स्टाइल चाहिए था, तो अगेन यहाँ पे कर्व्ड मिरर रहा, फ्लूटेड्स रखे, जिससे कि फील आ जाए थोड़ी सी लाउड्स की। साथ के साथ शीशा मैंने बताया था स्ट्रेंथ वाला, तो स्ट्रेंथ वाला शीशा आ जाए तो ये कटा हुआ है। ओके, तो बोलते बोलते भी थक गया। और नॉर्मल सिटिंग के लिए यहाँ पे हमने रख दी एक चेयर, कि अब हम यहाँ बैठ जाते हैं, और चाहे तो अगर हमारे सामने कोई फ्रेंड है, जैसे कि हमारे कैमरा मैन लटक रहे हैं, अगर यहाँ सामने कोई है तो उनसे हम बात कर सकते हैं बैठ के। इधर देखना चाहें तो हम अपने पीछे, जो अगर कोई मेकअप कर रहा है और साथ में कोई फ्रेंड है वो बैठ सकता है, साथ में अगर किसी को कॉफ़ी पीनी है तो वो यहाँ पे बैठ सकता है। ये मेरा टोटल हो गया बेड का एरिया।
और ये हमारी टीम है जो पीछे पीछे भगती जा रही है, और मैं जोर से घूमू तो ये रहे पकड़े गए। तो और ये पर्टिकुलरली वार्डरोब है जो कि बेज कलर में हमने सारी कर दी है, एंड दैट्स इट, जिसमें बेज का थोड़ा फैब्रिक फिनिश है। और ये दिखा देता हूँ फैन जो यहाँ पे लग चुका है पर्टिकुलरली, और इसमें कोव लाइट है जो अभी डली नहीं है क्योंकि क्लाइंट की तरफ से आनी है तो थोड़ा सा डिले। और अब चलते हैं इस बेडरूम के वॉशरूम में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब कैमरे में लाइटिंग का थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे फ्लोर में मार्जिन नहीं था, मतलब कि ये जो फ्लोर है ये लेंटर के लेवल पे था और नीचे वाले घर में फॉल सीलिंग हो चुकी थी, तो इस वॉशरूम में तो पाइप ले जाना बड़ा मुश्किल था। बट समहाउ हमने पीछे से ट्रिक है, अब यार वो मैंने पुरानी बिफोर में इसकी वीडियो में डाला है, वहां जाके देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि बिना फ्लोर लेवल नहीं तो होता है ना, कई बार आपने देखा होगा लेवल उठाने के लिए हम बाथरूम में फिर एक स्टेप अप करते हैं, तो वहां पे मैंने कैसे किया पुरानी वीडियो में डाला, वहां से देख लेना। अब एक चीज ध्यान से सुनना, सीधा इंटीरियर डिजाइनर बना रहा हूं, लाइटिंग कैसे करनी बाथरूम में। एक लाइट इस वॉश बेसिन के सेंटर के जस्ट ऊपर, सेकंड लाइट इस WC के जस्ट ऊपर चाहिए हमें, और थर्ड जो लाइट है वो शावर पैनल के पास जो हमने उधर पीछे दी हुई है, और एक लाइट इधर पैरेलल में जिसे पैसेज फिलअप हो जाए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि घर के अंदर जब कर्टेन सेलेक्ट कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको वीडियो बताया कि कर्टेन कैसे मैच कराने थे, लेकिन अगर नेचुरल लाइट जब बारिश हो रही हो तो सीधा सनलाइट आती है ना घर के अंदर तो बहुत गंदी लगती है, तो ये कर्टेन्स तो ठीक है ब्लैकआउट के लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर घर की फील लेनी है तो उसमें शीयर डालना बहुत जरूरी है। शीयर की मतलब ये वाले कर्टेन्स जो कि नेट होता है जिसमें से लाइट आती है लेकिन फिल्टर होके। अब खुद देखो अगर मैं शीयर को हटा दूं तो कितनी ज्यादा लाइट आएगी, देखो ये देखो, तो देख रहे हो पूरी चुभ रही है लाइट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर तेज धूप है लेकिन हमें फील बिल्कुल अच्छी चाहिए तो मैं इसको इतना कर देता हूँ जिससे कि फिल्टर जो लाइट है अब फिल्टर होके आएगी। और टेक्सचर आप देख रहे हो, अगेन ये सेम वही टेक्सचर है जो हमारी टाइल और रग का टेक्सचर, वही सेम टेक्सचर हमारा वार्डरोब के अंदर भी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम जो था, अब हम जाने वाले थर्ड बेडरूम में जो है फादर्स रूम, और उसमें है सारी ऑटोमेशन वाली चीजें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ इस घर में आने बाकी है, जिसके अंदर ड्राइंग रूम में होम थिएटर कैसे बना, कैसे स्क्रीन लगी है जो छुप जाती है, और कैसे TV लगा जो गायब हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रूम में, टिल देन गुड नाइट।